सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आगरा के थाना रहाबगंज स्थित लाल किले में कल शाम एक छात्रा ने खाई में छलांग लगा दी। गनीमत यह रही कि खाई में पेड़ खड़े थे, जिससे वो पेड़ों में गिरते हुए खाई में गिरी। इस घटना में उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अनन-फानन में इसकी सूचना लाल किले में तैनात कर्मचारियों को दी गई। उन्होंने तत्काल छात्रा को खाई से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को लाल किले की एक दीवार पर सुसाइड नोट मिला, जिसमें आत्महत्या करने का खुद को जिम्मेदार ठहराया गया है। सुसाइड का प्रयास करने वाली छात्रा छत्ता कल महल निवासी है, जिसका नाम प्रेरणा है। प्रेरणा लाल किला जहांगीर महल के पास झरोखे में पहुंची, जहां बैग रखकर दीवार पर सुसाइड नोट चिपकाया और 50 फीट गहरी खाई में छलांग लगा दी। इस घटना के वक्त वहां पर्यटक मौजूद थे, लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले ही प्रेरणा ने छलांग लगा दी थी। फिलहाल पुलिस ने प्रेरणा को भर्ती कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे परिजनों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। आपका चारों तरफ आपकी सिक्योरिटी रहती है SIS? जी जी। तो वहाँ सिक्योरिटी मैन मौजूद था? बिल्कुल, मौके पर मौजूद था। उस समय मैं राउंड पर ही था, नक्शा गेट पर। जब जवान नीचे तेजी में आ रहा था तो हम सोचे नीचे ये क्यों जा रहा है। फिर मैं मौके पर इंक्वायरी किया तो पता पड़ा कि ऐसे। फिर मैं मौके पर पहुंचा, फिर मैंने CM महोदय सब लोगों को, जो भी मेरे उच्च अधिकारी हैं, मैंने सूचना किया और जवानों को लेके और साहब पूरे स्टाफ को लेके मौके पर पहुंचे हम लोग। फिर हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस वाले बोले कि राजा मंडी से आने में इतना टाइम लगेगा। हम बोले कि इतने देर में तो कुछ भी हो सकता है। फिर हम लोग टेम्पू मंगाए, तब तक पर्यटक पुलिस वाले आ गए, उन्होंने फ़ोन करके ताजमहल से एम्बुलेंस मंगवाए सर। खाई करीब होगी 40-50 फुट के लगभग। अच्छा, तो उसमें इंजर्ड हुई है वो युवती? जी इंजर्ड हो गई है। जी जी जी, लेकिन जान बची हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल कर दिए। ये आज एक युवती ने सुसाइड करने का प्रयास किया जहाँ की महल के पीछे खाई है, क्या कहना है? ये लगभग 5 बजे की बात है। वहाँ ड्यूटी पे तैनात SIS गार्ड ने इन्फॉर्मेशन दिया ऑफिस में, अपने कमांडर को भी दिया, उन्होंने मेरे को बताया, तो अपन तुरंत जो है खाई में गए जहां वो गिरी थी। वो गिरने से पहले उसने कागज़ पे एक सुसाइड नोट लिखा कि अपनी मैं आत्महत्या कर रही हूं, उसके लिए खुद जिम्मेदार हूं। उसके बाद उसने छलांग लगा के खाई में। हम जाते हैं तो हमने पहले जाके उसको देखा, वो जिंदा थी, बोलचाल कर रही थी। उसके बाद हमने पर्यटन पुलिस को बुलाया और उनकी मदद से स्ट्रेचर पर रखे उसको बाहर निकाल खाई से बाहर। 100 नंबर डायल किया कई बार, लेकिन वो मिला नहीं जो है। उसके बाद हमने सामने पर्यटन पुलिस की चौकी है उस पर इंफॉर्मेशन किया, वहाँ से 2 सिपाही आए, उनके साथ हमने मिल के स्ट्रेचर पर रख के उस लड़की को बाहर लाए। बाहर लाने के बाद पर्यटन पुलिस वालों ने एम्बुलेंस बुलाई जो ताज पे रहती है, उसमें जो है उस लड़की को रख के SN मेडिकल उन्होंने पहुंचा दिया है। एम्बुलेंस लाने में लगभग आधा घंटा लगा जी। तो इस तरीके यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, पर्यटक आता है और कुछ एम्बुलेंस की व्यवस्था तो होनी चाहिए जी। हाँ, एम्बुलेंस की व्यवस्था तो होनी चाहिए। आधे घंटे में तो बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, पर उस समय उसको ले गए, उसकी हालत बोलचाल कर रही थी। तो उसने छोड़ा है, उसमें कोई नंबर उसने लिखा है? उसमें 2 नंबर लिखे हुए हैं। आपने सूचना की? हाँ, उन्होंने हमारे SIS कमांडर हैं, उन्होंने लड़की के घर पर सूचना दे दी है कि वो उसको SN हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।